पूजनी संत समाज, सज्जनों और देवियों, चंदूलाल ने गाया है, सतगुरु कबीर ने तो बहुत पहले गाया है। कहा जाता है जो उर्दू के गायक हैं वे कहते हैं ये पहला गज़ल है। गज़ल जब से बनने लगा है ये पहला गज़ल है कबीर साहब का बनाया हुआ, उसके बाद गज़ल चला है। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहें आज़ाद इस जग में हमन दुनिया से यारी क्या। हमन है इश्क मस्ताना, इश्क में हम मस्त हैं। इश्क एक बाहरी होता है एक भीतरी, बाहरी इश्क से सब परिचित हैं, भीतरी इश्क से कोई बिरला परिचित है। जैसा अनुराग चाहिए, लाओत्से ने कहा है, लाओत्से पर मैं इस समय लिख रहा हूँ इसलिए उनकी बात याद आया करती। चीन में आज से 2500 वर्ष पूर्व जब यहाँ बुद्ध थे तो वहाँ लाओत्से थे, और ऐसा बढ़िया संत की क्या पूछना। वे पहले सम्राट के यहाँ लेखागार के बड़े अफसर थे, उन्होंने उसको छोड़ दिया, एकांतवासी हो गए, साधना परायण हो गए। लगभग 100 वर्ष की उम्र में वे देश को भी छोड़ देना चाहे, काले बैल पर बैठे हुए जा रहे थे, वहाँ बैल पर बैठने का रस्म था, बूढ़े थे, सरहद पर रोक लिए गए और सरहद के अफसरों ने कहा कि आप टैक्स दीजिए तब जाएं। उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं है। कहे है तो उन्होंने कहा मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं टैक्स क्या दूं। कहे आपके पास बहुत है, वही टैक्स चाहता हूं। तो वो रुक गए 3 दिन, उन्होंने लिखा चीनी भाषा में 5000 शब्दों में, 3 दिन में लिख दिया, छोड़ के चले गए। उसका नाम है ताओ ते चिंग। ताओ नियम, ते सद्गुण, चिंग पुस्तक, विश्व नियम और सद्गुण की पुस्तक, बिल्कुल इस सिद्धांत से मिलती जुलती। कोई देव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कुछ मांगना नहीं। जगत को समझो, अपने को समझो, निष्काम निर्माण हो जाओ, अपने में लौट आओ। तो उन्होंने एक सूत्र में नीचे कहा है, चीनी भाषा में समझता नहीं हूँ, पढ़ भी नहीं सकता हूँ, इंग्लिश में अनुवाद है, यूरोप अमेरिका वालों ने इंग्लिश में खूब किया है, वे विद्या व्यसनी है, उसी से मैंने किया है, कर रहा हूँ। नॉन एक्शन, क्रिया शून्य अवस्था में पहुँचना। उन्होंने अंतिम में वहाँ उस संदर्भ में कहा, इस पृथ्वी पर बहुत थोड़े लोग इसको जानते हैं और करते हैं, बहुत थोड़े लोग। नॉन एक्शन, क्रिया शून्य, क्रिया शून्य अवस्था, निर्विकल्प अवस्था, कुछ न सोचना। हम सोचते क्या हैं, दुनिया का कबाड़, ये कबाड़ खाना संसार है, शरीर है, सब कबाड़ है, इसी को सोचते हैं, इसी में हमारा मन चिपका रहता है, इसलिए भय से भरे रहते हैं। क्योंकि जो कुछ हम सोचते हैं वो कमजोर है, छूट जाने वाला, छिन जाने वाला, विनाश जाने वाला, सबसे निकट शरीर है और इसका कुछ ठिकाना नहीं, और इसमें ही मन हमने आज तक टिकाया है, इसलिए भय से भरे अनाथ काल का समय हमारा चला गया है। अब इश्क करना है अंतरात्मा से, अंतरात्मा से इश्क करना कहो, आत्मा क्रिया शून्य हो जाना, संकल्प शून्य हो जाना। बोध के बाद संकल्प शून्य होने से स्थित आती है,
ऐसे न तो संकल्प शून्य कोई हो सकता है, और बिना बोध के हो भी जाए तो कहाँ भटकेगा। कुछ स्थित तो चाहिए। साहेब ने कहा है, साहेब साहेब सब कहे मोहि अदेसा, और साहेब से परिचय नहीं बैठोगे कहठौर। साहेब नाम स्वामी, परमात्मा, ब्रह्म, खुदा, गॉड सब कहते हैं, लेकिन परिचय तो नहीं है, शब्द मात्र कहते हैं, कहाँ बैठोगे। बैठने का मतलब स्थित होना। हमारा ईश्वर अगर किसी लोक में है तो मन की कल्पना है। हमारा ईश्वर अगर सर्वत्र व्याप्त है तो यह भी मन की कल्पना है। जो कुछ हम मन से कल्पना करते वही तो कहते हैं। जहाँ कल्पना खत्म हो जाती है और जहाँ से कल्पना उठती है वो तत्व क्या है? कल्पना कहाँ से उठती है? स्व से। स्व खुद सेल्फ अपने से, और वहीं कल्पना शांत होती है। अपने को बोध हो, अपने का बोध हो कि मैं अविनाशी नित्य शुद्ध बुद्ध मंगलमय हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं प्राण नहीं हूँ, मैं मनोमय नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं हूँ, मैं आनंदमय कोश नहीं हूँ। अनुकूल प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के मिलने पर आनंद की अनुभूति होती है, वो भी देहोपाधिक है। मैं केवल ज्ञाता ज्ञान स्वरूप शुद्ध चेतन हूँ, असंग अकेला निर्मल, मेरे में जगत नहीं है, मेरे में देखना नहीं है, सुनना नहीं है, सूंघना नहीं है, छूना नहीं है, सोचना नहीं। इसका ठीक से बोध हो, अधकचरा नहीं। और बोध होने के बाद फिर एकाग्रता का अभ्यास हो, और एकाग्रता के अभ्यास के बाद जब क्रिया शून्य की स्थिति आए तो वो अपनी स्थिति है। पहले बोध समझ, फिर एकाग्रता का अभ्यास, फिर क्रिया शून्य स्थित। समझ ठीक होना चाहिए। आप किसी के अंश नहीं हैं, अंशी नहीं हैं। आत्मा किसी का अंश या अंशी नहीं है, आत्मा स्वतः है और निर्विकार है, निर्मल है, अनादि है, अनंत है, सब समय है। मेरा क्षय नहीं, मेरी उत्पत्ति नहीं। अपने आप को पहचानो। और जो हमारा आपा बह रहा है चारों तरफ, हम खो रहे हैं अपने को, ललचा रहे हैं, रूप देख के, गंध सूंघ कर, छू कर, सोच कर, बोल कर, देख कर, सुन कर, जो हम ललचा रहे हैं और चारों तरफ बह रहे हैं, ये हमारा पतन है। बहना बंद हो जाए, एक लागे नहीं बंद होगा। अभ्यास करो। शुरू करो ये काम, कम करो। जितना बहते थे उसमें कम करो, घटाते 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 ऐसी स्थिति आए कि बहना एकदम बंद हो जाए। बहने का अर्थ क्या है? ललचा जाना। किसी मकान देखे ललचा गए, किसी गाड़ी देखे ललचा गए, किसी सुंदर रूप देखे ललचा गए, किसी की संपत्ति देखे ललचा गए, किसी की कीर्ति देखे ललचा गए, किसी पद देखे ललचा गए। लालच मात्र अपना पतन है, अपनी दरिद्रता है। धन से कोई धनी नहीं होता है, संतोष से धनी होता है। यश से कोई सुखी नहीं होता है, संयम और सेवा से सुखी होता है। अपने पर संयम हो और दूसरे के लिए जो बन सके सेवा हो, इससे सुखी होता है इंसान। यश से सुखी नहीं होता है। ललचाना हमारा बंद हो, मेहनत करेंगे तब होगा, धीरे धीरे होगा।
ललचाना जब बिल्कुल बंद हो जाता है तब आदमी बादशाह हो जाता है, अंतर का बादशाह। बहाना बंद हो जाए, इश्क ये भीतर का इश्क है, हमन है इश्क मस्ताना, हम मस्ताना इश्क, हम अंतर में प्रेम में मग्न हैं, इश्क में मस्ताना है, हमन को होशियारी क्या और दुनिया से यारी क्या। दुनिया से यारी क्या मतलब नहीं है कि दुनिया के लिए सद्भावनाएं हैं, दुनिया का मतलब चमक दमक से, लोगों के लिए तो उसके मन में करुणा है, चमक दमक से कोई प्रेम नहीं है। अपने पतन को हम रोकें यही खास साधना है। अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार स्त्री पुरुष गृहस्थ विरक्त कोई भी हो, पंथ से मतलब नहीं है, पंथवंत तो बनाया हुआ मनुष्य का है, जमीन वही है, मेड़े काल्पनिक हैं, बंदोबस्त में मेड़े टूट करके भिन्न तरह बन जाते हैं, जमीन काल्पनिक नहीं है, मेड़े काल्पनिक हैं, सत्य काल्पनिक नहीं है, संप्रदाय काल्पनिक है, संप्रदाय बनते हैं, बिगड़ते हैं, टूटते हैं, विनष्ट हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। आजकल जितना संप्रदाय चल रहा है पूरी दुनिया में 3000 वर्ष के अंदर के, पुरानी बाइबिल ईसा के पूर्व 1000 वर्ष के अंदर बनी है, कोई कुछ सौ वर्ष पूर्व, कोई कुछ सौ वर्ष पूर्व कोई अध्याय, ईसा के 1000 वर्ष पूर्व के अंदर ही बनी है। और ईसा का संप्रदाय तो ईसा के बाद 2000 वर्षों से, इस्लाम 1428 वर्षों से, हिंदू शब्द वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, वैदिक साहित्य में नहीं है, दोनों महाकाव्यों में नहीं है, पुराण और महाभारत में, महाभारत और रामायण में, पुराणों में आया है। हिंदू शब्द का प्रचलन 2500 वर्षों से है और हिंदू समाज का आजकल का जो खाका है ये 2000 वर्षों के अंदर का है। श्री राम श्री कृष्ण की पूजा, शिव जी की जिस ढंग से पूजा आजकल चलती हुआ है, और गणेश गौरी तीर्थों की बात, छुआछूत इत्यादि, ये सब बातें वैदिक नहीं हैं। चारों वेदों में कहीं नहीं लिखा कोई अछूत होता है, गौरी गणेश की कहीं पूजा नहीं है, रामकृष्ण की चर्चा ही नहीं है, तीर्थों का पता नहीं है। हिंदू समाज का ढांचा जितना आज है 2000 वर्षों के अंदर का ज़्यादा है। बौद्ध 2000 वर्ष से हैं, जैन पुराने हैं, लेकिन उनका भी 2000 वर्षों से ही ज़्यादा जोर हुआ है, 2000 वर्षों से। जैन साहित्य महावीर स्वामी के बाद बने हैं, और बाद ही नहीं 1000 वर्ष के बाद बने हैं। महावीर स्वामी के सामने जैन संप्रदाय का एक पर्चा भी नहीं था, और जितने पुराने संप्रदाय उनमें भी परिवर्तन बहुत हुआ है। तो धरती तल के जितने संप्रदाय हैं वो 2500 वर्ष 3000 वर्ष के अंदर सब के सब हैं, और ये दुनिया कब से है, अनादि से है, सदा से है। क्या हम अहंकार करें किसी संप्रदाय का, और संप्रदाय बदलते हैं, रूप उसका बदलता है और बदलता है और बदलता है, नई नई बातें उसमें जुड़ जाती हैं, पुरानी बातें गल जाती हैं, मिट जाती हैं। संप्रदाय बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज है सत्य। सारा दुख कहाँ है जो हम बहते हैं, इसमें है सारा दुख। भूख लगी है, पीड़ित हैं, और किसी के खेत में से फल तोड़ के खा लें, कोई पाप नहीं है। भूख लगी है, पीड़ित है, खा लिया, कोई हर्ज नहीं।
और अगर वो देखेगा, समझदार होगा, तो कहेगा कोई बात नहीं, पाप तो हम करते हैं, भूख नहीं लगी है। घूस लेने वालों को भूख लगी है, मिलावटबाजी करने वालों को भूख लगी है, बड़े बड़े गबन होते हैं, बड़े बड़े गबन, क्या भूख लगी है उनको? चोरी डाका कितना कुकर्म होता है, वो भूखे नहीं है। तन की भूख तनिक है, तृप्त पावे या शेर, मन की भूख अथाह है, तृप्त न पाए सुमेर। ये हमारे गुरु जी की साखी है, विवेक प्रकाश में आती है। तन की भूख तनिक है, थोड़ा सा, और मन की भूख अथाह है, सुमेर पर्वत के समान, धन मिल जाने पर भी तृप्ति नहीं होती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सबके मन में मवाद मवाद भरा है, मवाद मवाद जिसके मन में न हो वो धन्य है। कुछ लोग हैं जिनके मन में मवाद नहीं है, पीड़ा नहीं है, संताप नहीं है, तृष्णा नहीं, उद्वेग नहीं, निर्मल मन, सब समय स्वर्गीय जीवन। मैंने कल कहा था पौराणिकों का स्वर्ग घृणित है, आत्मवादियों का स्वर्ग शुद्ध स्वरूप स्थित है। स्वर्ग शब्द का प्रयोग कबीर साहब ने भी किया है, स्वामी शंकराचार्य ने भी किया है, और यह स्वर्ग अपने में लौटना है। पौराणिकों का स्वर्ग देह का विलास है, गंदगी। पौराणिकों के स्वर्ग को मैं नहीं कहता हूँ, जो अध्यात्मवादियों का स्वर्ग है अपने में लौटना। मन का मवाद समाप्त हो जाए, ये हमें काम करना चाहिए। ललचाने की आदत खत्म होगी तब ये होगा। हम बाहर हैं, जहाँ जहाँ गयो अपनपो खोयो, ते फंदे बहु फंदा, ये साहेब की पंक्ति है। आप जहाँ जहाँ गए अपनपो खो दिए, अपना स्वत्व, अपना स्वरूप भाव, अपना विवेक खो दिए, अपनी तृप्ति खो दिए। किसी को कुछ देख करके मन ललचा गया तो हम दरिद्र हो गए। कुछ भी हो दुनिया में, क्या है जिससे ललचा जाए? कूड़ा के अलावा सब कूड़ा है। सूफी संतों ने खाकदान कहा है संसार को, खाकदान, धूल का पात्र। इतनी मूर्तियां बैठी हैं, सब मिट्टी के पिंड हैं। मेरा शरीर, आपका शरीर, सब मिट्टी का पिंड है। और दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं, बर्फ का पिंड है, धूप लगने पर सब गल गया। ऐसे काल का धूप लगने पर सब गल जाएगा। बिहार में सुनता हूँ लाखों लोग बह के मर गए हैं। वहाँ के लोग, मैं तो अतिशयोक्त समझता था, वहाँ के लोग आए हैं बताएं, लाखों लोग बह के मर गए। काल की बाढ़ तो सब समय है। दुनिया में कौन ऐसी वस्तु है जिसके लिए आकर्षित हुआ जाए? आकर्षण का कारण केवल मेरे चित्त की अविद्या है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण हम आकर्षित हैं। इस अविद्या का पर्दा फाड़ने के लिए हमें निरंतर साधना करना है। पात्रत्व के अनुसार सबको सत्संग से लाभ होता है। इतने लोग यहाँ आए हैं, कितना कष्ट उठा के आए हैं, कहाँ कहाँ पड़े हैं बेचारे, मकानातों में हैं लेकिन टेंटों में भी हैं, खुली जगहों में भी हैं, सड़कों में पड़े रहे, यहाँ क्या पाते हैं धक्का के सिवा? उनका भाव है, संतों के पास जाएंगे, मन में सुंदर भावना है, और पात्रत्व के अनुसार उनको लाभ होता है। मैं सुबह 3 बजे जब ऊपर घूमने गया, जहाँ मेरा निवास है,
तो देखा पेड़ों के नीचे खुले में भी लोग सोए, ऊपर से देखा तो मुझे अपनी बात याद आई। जब थोड़ी उम्र में मैं संतों के भंडारे में जाता था, आसपास भंडारे भंडारा कहा जाता था, जब तक वहाँ रहा तब तक प्रवचन किसी संत सम्मेलन में नहीं सुना। आसपास जो छोटे छोटे होते थे भंडारा कहते थे, तो माता से कुछ मांग लेता था और जा करके संत को दे देता था, और वहाँ खाता नहीं था कि संत को देना चाहिए, पास में था, सुन देख करके चले आए। आप लोग तो दूर से आए, खाना पड़ेगा, ये नहीं कि आप न खाएं। तो जाता था, उनको देखता था, भजन कभी कभी लोग गाते थे वो सुनता था। जब कुछ भी नहीं होता था तो भी साधुओं को देखकर सुनकर मन में अच्छा भाव टिकता था, और वो भाव हमारा बल हुआ। संतों की संगत में जो धक्के खा करके भी लोग पहुँचते हैं और कष्ट उठा करके वहाँ एक दिन दो दिन तीन दिन रहते हैं, उसका फल उनको बहुत होता है। मुझे याद आया कि मैं भी जाता था और संतों को देखता था, उनकी वाणी सुनता था, भजन सुनता था। पहली बार 50 या 51 है जब मैं बढ़हरा अपने गुरु आश्रम पर गया, श्री राम सूरत साहेब हमारे गुरुदेव, जब परिचय हुआ, संपर्क हुआ, उनको बुलाया, फिर वे कहे तुम मेरे यहाँ भी आओ, अब तुम्हारे यहाँ मैं आ गया। तो उसके आगे भंडारा था तो मैं उनके पास गया, तब संतों को, पारखी संतों का समूह देखा, उनकी स्वच्छता, उनके विचार, पहली बार आकर्षित किया सब। तो संतों के पास जाने से पात्रत्व के अनुसार सबको लाभ होता है। आप लोग उसी तरफ अग्रसर हैं, लेकिन तेज काम कीजिए, धीरे धीरे नहीं। सब स्वाध्याय रत रहिए, ज्ञान का ग्रंथ पढ़िए। एक याद और बताऊं, कबीर पंथ की पहली पुस्तक मिली थी मुझे, निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर, निर्मल साहब का बनाया हुआ, जो अजगैबा के संत थे और बस्ती जिले में पढ़ता था, अब संत कबीर नगर हो गया है, मगहर के पास है। उनकी वाणी निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर मूल मात्र था, एक पंडित जी लेकर के मेरे पास आए। मेरी उम्र उस समय 17-18 की थी। उन्होंने कहा ए भैया देखो ये पुस्तक देखो। तो पुस्तक देखा, बहुत तर्कपूर्ण पुस्तक, तो चित्त को मेरे आकर्षित उसने किया, लेकिन साथ साथ मुझे थोड़ा थोड़ा कष्ट भी होता था पढ़ करके। मैं उस समय राम कृष्ण विष्णु और शिव ये चार की उपासना करता था, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, गायत्री मंत्र और राम मंत्र, ये चार जपता था, और अकेले में भगवान के लिए रोता था कि आपका दर्शन कब होगा, और सपने में तो बात करता था, इतना अनुराग। और निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर खरा ज्ञान, लेकिन बहुत आकर्षक, तो मन उसमें लगा, लेकिन उनसे कहा दे दो पढ़ूंगा, कहे नहीं तो आज ही लौटाना है। फिर मुझे धीरे से वो पुस्तक मिल गई, कबीर पंथ की पहली पुस्तक हमें निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर मिली है, जो मूल रूप में थी। 3 वर्ष तक वहीं रहा जहाँ शरीर जन्मा, उसके बाद गुरु जी की शरण में बिल्कुल आ गया, 1953 में। बीच बीच में होता था कि मैं इस पर टीका करूं, ऐसा संयोग आज तक नहीं कर पाया था, गत वर्ष में किया और इस वर्ष में वो छप गई है, टीका सहित पूरी छप गई है, जो चाहे बुक स्टॉल से ले सकते हैं। उस पुस्तक ने मुझे बहुत प्रभावित किया। फिर मैं कहूँ इन संतों से मिल करके,
क्या सही केवल कबीर साहब जानते थे और कोई नहीं जानता था? आप लोग बहुत खंडन करते तो संत कहें घबराओ मत, खंडन नहीं करते, सत्य कहते हैं। और ये नहीं कहते दूसरे लोग नहीं जानते हैं, घबराओ मत। मैंने गुरुजी से प्रश्न किया, महाराज नरसिंह भगवान खंभा फाड़ के निकल आए कि वो भी झूठ हो जाएगा? मैं समझा कि बहुत बड़ा तर्क मैं कर रहा हूँ, तो सब हंसने लगे। धीरे धीरे बीजक मुझे मिला, पूर्ण साहेब की त्रिज्या, ये सब पुस्तकें पढ़ी। 3 महीने में हमें पूरा संतोष हो गया और कबीर के विचारों में रमने लगा। कबीर का विचार मतलब सत्य का विचार, कबीर का विचार कोई पंथ का विचार नहीं। कबीर पंथ तो पीछे बना है, कबीर कबीर पंथी नहीं थे। पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द नहीं है और किसी भी उनकी ग्रंथावली में कबीर पंथ शब्द नहीं है। ये तो लाखों लोग हो गए तो पीछे वो पंथ बनेगा ही, कुछ उसका नियम होगा ही, शाखा पर शाखाएं होगी, संसार का स्वभाव है। तो निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर ने मुझे प्रभावित किया। मैंने भूमकम लिखा है कि ऐसा संयोग पड़ा कि इसकी व्याख्या मैंने अपने जीवन के आखिरी समय में किया, जबकि शुरू में ये मिला और शुरू में करने का विचार होता था, अंत में किया, लेकिन कर डाला तो मुझे संतोष है। ये पुस्तक जिनको पढ़ना हो बुक स्टार में मिलना चाहिए। निर्मल सत्यज्ञान प्रभाकर में आता है, देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई, देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जिर जाए। देह द्वारते जगत ज्ञान है, ये देह के दरवाजे से जगत का ज्ञान होता है, और जगत ज्ञान है दुखदाई, जगत ज्ञान दुख देता है। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जर जाए, जब सारी वासनाएं जल जाएंगी तब देह संबंध छुटेगा, एक ईसाई विद्वान ने लिखा है। उपन्यास के रूप में है लेकिन वैराग प्रधान पुस्तक है। ईसा का नाम पूरी पुस्तक में कहीं नहीं दिया है। उसने एक जगह लिखा है, धरती माता का सब दूध पीते हैं और इसका आकर्षण फिर बारंबार यहाँ ले आता है। जन्म होता है, आदमी कुछ दिन रहता है और काल उसके शरीर का वियोग करा देता है और धरती का आकर्षण उसको फिर खींच लाता है। जब दूध पीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, धरती का दूध पीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लाक्षणिक शब्दों में है, इस संसार का कोई आकर्षण जिसको नहीं रह जाएगा, फिर वो नहीं आएगा, फिर नहीं भटकेगा। उसकी थ्योरी बिल्कुल हम लोग सरीखे, ये वैज्ञानिक है, लॉजिक है। जब ये बात मैंने एक भौतिकवादी से कही जो मार्क्सवादी, उन्होंने कहा बिल्कुल लॉजिक है, तृष्णा से आदमी भटकता है, तृष्णा जब मिट जाएगी क्यों भटकेगा। हमारे अंदर का जो मोह है, तृष्णा है, ललक है, लालच है, इसने हमें दरिद्र बनाया है। बादशाहत का सुख, सम्राट होने का सुख भोगना है तो लालच को घटाओ। सरपंच हो के प्रधान हो करके बड़े नहीं होगे, एमपी एमएलए हो करके बड़े नहीं होगे। एक विधायक मेरे सामने आए, दूसरे सज्जन ने उनको आशीर्वाद दिया, शुभकामना की, मैं आपको मुख्यमंत्री रूप में देखना चाहता हूँ। उस समय तो मैं ज़्यादा नहीं कहा, पीछे कहा कि मुख्यमंत्री हो करके ये क्या करेंगे, ये मनुष्य हैं इसलिए बड़े हैं, विधायक हैं तो छोटे हो गए, अब अगर मंत्री हैं तो और छोटे हो गए, और मुख्यमंत्री तो और छोटे हो गए, प्रधानमंत्री तो और छोटे हो गए, मनुष्य हैं बस बड़े हैं। मनुष्य बड़ा और क्या है, विधायक होगा,
प्रपंच बढ़ेगा, कुछ और उल्टा सीधा करेगा, मुख्यमंत्री होगा तो पता नहीं कितना उल्टा सीधा करेगा, उसमें क्या बड़ा हो गया, क्या बड़ाई करते हो इनकी। ये कहो आपकी मनुष्यता श्रेष्ठ है, और कुछ जितना बनोगे वो बिगड़ेगा। मन होता है हम मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, होने वाले हैं, होते हैं, वो काम करते रहेंगे। लालच छोड़ो, पद सेवा की जगह है। सावधान न रहे, आप लोग कहते हैं तप से राज, राज से नरक, तप से राज होता है, राज से नरक होता है। गुरु बन करके भी अगर गुरुत्व को न समझा तो पतन है। हम किसके गुरु हैं? किसी के गुरु नहीं, सब मित्र हैं, सेवा करना है। गुरु जो बना वो भटका, गुरु न बने, सेवा कर दे। कुछ लोगों को जिम्मेदारी निभानी पड़ती है गुरुत्व की, लेकिन गुरुत्व की जिम्मेदारी के लिए भी भारतीय परंपरा ही में नहीं पूरे विश्व में विधान क्या है? विधान यह है कि साधक पहले जिज्ञास होता है, फिर मुमुक्ष होता है, फिर साधु होता है, फिर संत होता है, फिर गुरु होता है। जिज्ञास ज्ञान की इच्छा वाला, सब लोग कमाते खाते हैं और दुनिया में उलझे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि मैं कौन हूँ, जगत क्या है, दुख क्यों है, दुख से छुटकारा कैसे मिले, ये जिज्ञासा मन में होती है। कुछ लोगों को होती है, वे जिज्ञास हैं, ज्ञान की इच्छा वाले। जब किसी गुरु से मिले, समझ हुई, तब उनको मुमुक्षा होती है, मोक्ष की इच्छा। जब समझ में आ गया तो जो गलत है उसको छोड़ने की इच्छा होती है, मोह माया। फिर वे साधुत्व की तरफ बढ़ते, साधना करते हैं, कभी मन से हारते हैं और कभी मन पर विजयी होते हैं। इस हार जीत में लगे लगे फिर एक दिन ऐसा आता है कि पूरी विजय हो जाती है, फिर हार नहीं होती है, पूर्ण आत्मसंतुष्ट। तो वो संत है, सत से संत शब्द बना है, सत में स्थित हो गया, तब वह गुरुत्व का काम करे तो अच्छा है। पहले गुरु बन गया, जिज्ञासा तक नहीं है, मोक्षा तक नहीं है, तो अपने खराब करेगा, दूसरे खराब करेगा। गुरु प्रायः गुरु झिकते रहते हैं, चेलों की निंदा करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, और उनको लगता है कि हमारी सेवा ठीक से नहीं हो रही है, हमारा आदर ठीक से नहीं हो रहा है। गुरु बनने से कोई फायदा नहीं, गुरु बनना भी बेकार है। मनुष्य बनो, मनुष्य हो, बनना क्या है? मनुर्भव जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य हो, दिव्य जन समाज पैदा करो, स्वयं मनुष्य रहो। अब आप मनुष्य हैं तो समाज की एक कड़ी हो गए, तो दिव्य समाज हो गया, आपको देख करके और लोग भी होंगे। अपने को ठीक करो, कुछ होना नहीं है, ये होने का रोग तकलीफ देता है। हम जो कुछ होना चाहते वही गड़बड़ है। नाम है सब, ये नाम तकलीफ देते हैं। जन्म हुआ, एक एक नाम आया और नामों की कल्पना बढ़ी, और उसी नाम की कल्पना में हम उद्वेगित रहते हैं, नामों की कल्पना में उलझे रहते हैं। नाम रूप दोनों मिथ्या हैं। अपने मन को संभालो, विकारों को दूर करो। मैं कह रहा था कि संतों की संगत में जाते जाते सकारात्मक बुद्धि है तो ग्रहण होता चला जाता है, और धीरे धीरे परिवर्तन आता जाता है। जो जितना जोर से लगते हैं ज़्यादा परिवर्तन होता है। स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन, सेवा से प्रगति होती है, सेवा से चित्त शुद्ध होता है। अपनी शक्ति से सेवा करो, तन से, धन से, ज्ञान से, बुद्धि से,
जो आपके पास शक्ति है सेवा में उसकी सफलता है। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होगा, चिंतन से मोह टूटेगा, एकाग्रता से शांति की तरफ हम बढ़ेंगे, निर्विकल्प समाधि में पहुंचने पर पूरी स्थिति होगी। एक क्रम है, पहले सत्संग है, संत की संगत करें। जितने संत हैं वेश देख करके हमारे मन में सद्भाव जगता है, इसलिए वेश भगवान को भी नमस्कार है। और फिर ज्ञान की चर्चा से विचारों में परिवर्तन आता है। जो दृढ़ होकर के लग जाते हैं उनके जीवन में जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। ये अपना व्यक्तिगत विषय है। कुछ सज्जन प्रश्न करते हैं, ये कल्याण अवस्था श्रम साध्य है कि कृपा साध्य है? कृपा संत गुरु की बहुत है, भक्त संत गुरु इन सब की कृपा है। एक एक ठोकर देते हैं, अपना जगना चाहिए। हमें याद है ग्रस्तों और भक्तों के वचन से मुझे बड़ी प्रेरणा मिली शुरू शुरू में। सब समय मिलती है, संतों से मिली, गुरुजी से मिली, पूरी सत्ता से मिलती है। जो हमें उपदेश देते हैं, निर्देश करते हैं, उनकी कम कृपा नहीं है। अब जो हमें करना है वो दूसरे की कृपा से कैसे होगा? हमारे मन का दृष्टा कोई दूसरा नहीं हो सकता है, हमारे मन का दृष्टा हम खुद हैं। अपने मन को देखें और अपने मन के कबाड़ को निकालें। हमारे मन में जो कबाड़ है हमने ही इकट्ठा किया है, हम उत्तरदायी हैं। कल मैंने थोड़ा सा कहा था, भगवान की माया सबको नचा रही है। लोग कहते हैं, झूठ कहते हैं, भ्रम में पड़ के कहते हैं। भगवान दुर्जन नहीं होता है, दुर्जन सबको नचाता है। बिगाड़ानंद का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, कभी कभी मैं भी कहता हूँ, सज्जन ही कहना चाहिए। एक सज्जन थे एक गांव में, जो सबका काम बिगाड़ते थे। बुलाओ तो न बुलाओ तो वो पहुँच जाते थे और सबका काम बिगाड़ते थे। कोई ज़मीन बेच खरीद रहा है, पहुँच गए, दोनों से कहते थे मुझे कुछ दो नहीं बिगाड़ूंगा। कोई नींव डाल रहा है मकान बनाने के लिए, पहुँच गए, तुम जहाँ नींव डाल रहे हो ये दूसरे के हिस्से में, तो लोग कुछ दें भैया छोड़ो। हर जगह वो हस्तक्षेप करते थे। एक सज्जन का लड़का, उसको देखने के लिए बरदेखु आए थे लड़की वाले। तो घर वाले ने अपने लड़के से कहा, बेटा उनका नाम लोग बिगाड़ानंद कर दिए थे, सबके काम बिगाड़ते थे इसलिए बिगाड़ानंद लोग कहते थे, बिगाड़ानंद आएंगे सब बिगाड़ देंगे। तो उन्होंने रुपया दिया और कहा कि जब आएंगे उनके चरणों पर रख करके पैर छू लेना। तो आए वो, बिगाड़ानंद बैठ गए, उस बच्चे ने रुपया रखा पैर पर, छू लिया, कहा बेटा खुश रहो खुश रहो, तुम्हारी मिर्गी जल्दी अच्छी हो जाए। रुपया कम था इसलिए बिगाड़ दिया। बर देखुआ कहे, भैया मन ही में कि ये जब बर को लड़के को मिर्गी आती है तो वहाँ लड़की देना तो वहाँ बेवकूफ़ी है, चुपचाप उठ के चले गए। वो सब का काम बिगाड़ते थे। मरने का टाइम आया तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया कि भाई मैं मर रहा हूँ, मैं सब का काम बिगाड़ा हूँ, मुख से कह कह करके मैंने बहुत गलत किया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, जब मैं मर जाऊँ तो एक लकड़ी मेरे मुख में गाड़ दी जाए। लोग कहे, नहीं हम लोग क्षमा करते हैं, अब ये सब नहीं। कहे, नहीं नहीं करेंगे तो मेरी अंतरात्मा संतापित होगी। लोगों ने कहा, भाई इसी बात है तो कर दिया जाएगा, मर जाएंगे तो क्या जलाना ही है। मर गए तो बढ़ई को बुलाया गया, एक लकड़ी साफ करके पतली सी दांत खोल करके मुख में डाल दिया गया, कफन किया गया, अर्थी में लेके चले। संजोग था, उधर से थानेदार साहब आ रहे थे, पुलिस आ रही थी कि भाई कौन मर गया है,
इसके मुंह पर इस सिंगलत जैसे कैसे क्या खड़ा है, उतारो। पुलिस का अधिकार होता है, कहीं भी वो जांच कर सकती है। उतारे, थानेदार ने कहा इतने ढीठ हो, इसकी इसके मुख में लकड़ी गाड़ के मारे हो, लकड़ी सहित ले जा रहे हो। सबको पकड़ा और जेल में डाला, गांव भर को। गांव वालों ने कहा धन्य हो बिगाड़ानंद, जीवन भर सबका काम बिगाड़े, मरते भी सबका बिगाड़ के गए। क्या भगवान ऐसे बिगाड़ानंद है? भगवान की माया सबको नचाती है। भगवान माया रखे है, कटही कुतिया सब पर लोहकार देता है और सब काटे जाते हैं। आज तक थाने में रिपोर्ट करना चाहिए भगवान के ऊपर, थानेदार साहब से कहना चाहिए महाराज भगवान को खोजिए, वो माया सबके ऊपर दौड़ाई है, पकड़िए। थानेदार बेचारा कहाँ पकड़ेगा? भगवान की माया हमें नहीं नचाती, हमारी माया हमें नचाती है। कहने सुनने में लोग धर्म के क्षेत्र में ऐसी ऐसी बातें हैं जो बिल्कुल गलत हैं और बिल्कुल सही है, दोनों प्रकार की बातें हैं। इसलिए ना तो हम परंपरा की सारी बातों को स्वीकार सकते हैं और ना सारी अस्वीकार सकते हैं। हमारी परंपरा ने हमें बहुत दिया है, उससे हम उपकृत हैं, लेकिन जो गलत बातें आ गई हैं उनका त्याग आवश्यक है। और ये सब समय रहा है, पहले ज़माने में भी रहा है ग्रहण और त्याग। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सुभाए, साल सार को गह रहे थोथा दे उड़ाए। ये साहेब की साखी जगत प्रसिद्ध है। साधु का मतलब सज्जन को ये चाहिए कि सूप स्वभाव बने। सूप में रख करके चावल फटक दिए गए, भूसी उड़ गई, चावल रह गया। ऐसे विचारों से फटक पछोर करके बात मानो, सब न मानो। वेद की ऋषि ने बहुत पहले कहा, चलनी का उदाहरण उन्होंने दिया, सक्त में उतित ना पुनंतो यद्र धीरा मनसा वाचम कृत अत्रा सखाया सख्या अनजानते भद्र ईशाम लक्ष्मी निहिताधिवाच। सक्तुम यू तित उना, सक्तुम सतुआ। सक्त क्यों कहते हैं? हम लोग सत्तु कहते हैं, वेद में संस्कृत में सक्त कहते हैं। यास्क मुनि ने इसकी परिभाषा दी है, आज से 2800 वर्ष पूर्व यास्क मुनि हुए हैं। उनका ग्रंथ अभी भी उपलब्ध है, तो उन्होंने कहा है सक्त इसलिए कहा जाता है कि उसके कण एक दूसरे में चिपके रहते हैं और अलग करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए उसको सक्त कहते हैं। सक्तुम यू तितौना, तितौना नाम चालना, तितौ नाम चलनी। चलनी से जैसे सत्तु छाना जाता है तैसे विवेक से वाणी को छानो। गेहूं का पता वेदों में नहीं लगता है, आटा का पता नहीं लगता, सत्तू का पता लगता है, जौ का वर्णन आता है, चिवड़ा दही का पता नहीं लगता है, सत्तू का पता लगता है। सत्तू का पता कई जगह लगता है। सत्तू जैसे चालते हैं चलनी से, वैसे विवेक से वाणी को चालो। ये हमारे वेद के ऋषि कहते हैं। वेद के ऋषि चलनी और कबीर साहब सूप दोनों बताते हैं परंपरा का आदर करो, लेकिन निर्णय करो। गुरु पूज्य हैं, परंपरा पूज्य है, शास्त्र आदरणीय है, लेकिन विवेक को त्याग करके परंपरा में गलत चीज आ गई है उसका त्याग करना है। त्याग किया गया है, हवन तर्पण होता था, यज्ञ होता था, बहुत पशु मारे जाते थे। एक अश्वमेध यज्ञ में 300 पशु कटते थे। सोचिए 300 पशु जहाँ कटे हैं कैसा बीभत्स होगा। भारत में बहुत दिनों से सब बंद हो गया है। ईश्वर और देवता के नाम पर हत्या, ये जंगली युग की देन है और वो शास्त्रगत हो गई है मतों में, लेकिन कम से कम भारतीय परंपरा में
ये विचार काफ़ी क्षीण हो गए हैं, परिवर्तन हो गया है। नारियल जो हवन में जलाया जाता है इसका वही है प्रतीक। कम से कम श्रीमद् भागवत के अंत में जब हवन होता है तो एक समूचा नारियल उसमें तोल लपेट कर मंत्र से अभिषिक्त कर हवन में डाला जाता है। तो यही है भाई, किसी पशु को नहीं मारेगा, ये नारियल ही मानो हो गया, ये परिवर्तन आया। तो विवेकी बनो, जो कुछ लिखा है सब सच नहीं है और सब झूठ नहीं है। किसी ग्रंथ में कुछ गलत होने से सब त्याज्य नहीं है और सही होने से गलत भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। अति श्रद्धावादी सब कुछ को मानने को तैयार है और बुद्धिवादी सब कुछ को उच्छिन्न करने को तैयार है। आज का जमाना बहुत द्वंद्व का है, सब समय रहा है, लेकिन आज का द्वंद्व का जमाना क्यों ज़्यादा है? क्योंकि विज्ञान ने बहुत साधन पैदा कर दिया है, परंपराएं टूट रही हैं। ब्राह्मण पंडित लोग घबरा रहे हैं कि पंडिताई हमारे बच्चे नहीं करना चाहते, धर्म लुप्त हो जाएगा। मैं कहता हूं धर्म लुप्त नहीं होगा, परिवर्तन आएगा। सत्य सदैव जीवित रहता है। विज्ञान बढ़ जाने से, वैज्ञानिक तर्क बढ़ जाने से नई पीढ़ी चमत्कार को नहीं मानती, और चमत्कार पुराने लोग लाते हैं, इसलिए दोनों में टूटन है। पुराने लोग कहते ग्रंथों में लिखा वो पूरा ग्रंथ सच है, आर्ष वचन है, भगवत वचन है। नए लोग कहते हैं जो उसमें व्यर्थ की बात है वो कैसे मानी जाएगी, इसलिए सारे धर्म ग्रंथ आग में फेंक देना चाहिए। पुराने लोग कहते सारे ग्रंथ ज्यों के त्यों मान लेना चाहिए, कबीर बीच में है, वे कहते हैं धर्म ग्रंथों के उचित बातों को मानो, जो उचित ना है न मानो। विज्ञान आज बढ़ा है, कबीर 600 वर्ष पूर्व हुए हैं, 610 वर्ष हो गए उनके जन्म हुए, और उस जमाने में उन्होंने जो बात कही विज्ञान से टकराती नहीं है, कितना अद्भुत है। वह उनकी बात आज के युवकों के लिए, आज के बूढ़ों और युवकों के बीच में समाधान के लिए कबीर वाणी जितनी सशक्त और समर्थ है, अद्भुत है। कबीर महातर्कबाज है और महासंत है। हम लोग कबीर को सदगुरु कहते हैं, कबीरपंथी लोग, विद्वान लोग या दूसरे मत वाले उनको संत शिरोमणि कहते हैं। राम सुखदास जी महाराज गीता परिषद के, उन्होंने कहा कबीर संत शिरोमणि हो गए, एक नहीं अनेक कहते हैं, भिन्न मत वाले सभी कहते हैं। कबीर का आदर हर जगह है, क्यों? क्योंकि वे ऐसे बिंदु पर खड़े थे जहाँ सब मिलता है। हजब शादीविधि ने लिखा है कि लोग अपने अपने रास्ते में चलते इसलिए अपने रास्ते को जानते हैं, कबीर चौराहे पर खड़े हैं जहाँ सबका रास्ता मिलता है इसलिए सबको जानते हैं। तो उस चौराहे में जो गलतियाँ उसको टोकते हैं और सबका आदर करते हैं। कबीर तर्क करना जानते हैं, महाश्रद्धावादी हैं। वह राम हरि सारंग पाणी ब्रह्म सब शब्दों का आदर करते हैं, और फिर इतना नहीं अल्लाह गॉड, गॉड तो नहीं कहते, अल्लाह खुदा रहीम करीम ये सब भी कहते हैं। गॉड शब्द का प्रचलन उतना नहीं था, गॉड शब्द का प्रचलन अभी 600-700 वर्षों से है, पहले शब्द नहीं था। शब्द तो सब बनाए होते हैं लेकिन सत्य नित्य होता है। पुरानी परंपरा और नई परंपरा में टूटन है। कबीर वाणी का मनन चिंतन हो तो आदमी स्वस्थ विचार से जब हो जाएगा तो ग्रंथों का, परंपरा का आदर करेगा, गलत चीज़ों को छोड़ देगा। कई लोग मुझसे मिलकर के कहे हैं कि राम कृष्ण के प्रति मेरी श्रद्धा नहीं रही, हिंदू थे वो,
लेकिन आपकी पुस्तकें जब से पढ़ने लगा तब से उनके प्रति श्रद्धा हो गई, क्योंकि आपने उनके मानवीय स्वरूप को चित्रित किया है। और रामायण रहस्य की भूमिका में मैंने इसको लिखा, ये यथार्थ लिखा है, कोई मेरे मन की कल्पना नहीं है। राम का रामत्व उनके त्याग में है। जब वे सुनते हैं 14 बरस का वनवास, शाम को बताया गया था राजगद्दी, सुबह सुनते हैं वनवास, वाल्मीकि रामायण में आया है कि उनको शोक नहीं हुआ, ये उनका रामत्व है। राम और कृष्ण और जितने महापुरुष हैं ये सब हमारे सिर मुकुट हैं। मोहम्मद, ईसा, दाऊद, बुद्ध, महावीर, नानक, कबीर, दुनिया के जितने महापुरुष हैं सब हमारे सिर पर हैं। और सारे संप्रदाय हमारे आदरणीय हैं, सारी परंपराएं आदरणीय हैं, कौन अपना नहीं है। कुछ लोग कहते हैं ये फिरका ने यहाँ नहीं रहना चाहिए, हिंदू हिंदू के घर में डाका डालते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को ठगते हैं, मुसलमान मुसलमान को ठगते हैं, पाकिस्तान में नमाज पढ़ते समय बम विस्फोट होता, वो बम विस्फोट करने वाले हिंदू नहीं मुसलमान हैं, मुसलमान मुसलमान को मारते हैं, हिंदू हिंदू को मारते हैं, जहाँ विवेक नहीं है, कौन पर आया है। ये मन का विकार छोड़ना है और सब में प्रेम की गंगा बहानी है। कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, पंथ भी ये नाम है बस, कबीर पंथ, वैष्णव पंथ, दादू पंथ, दरिया पंथ, वेदांत, शायो शाक्त, ये सब नाम हैं, मनुष्य मनुष्य है। इसलिए उदार चिंतन की आवश्यकता है। मैं अपने आधार बिंदु पर आकर के समाप्त करूँगा। हम लोग बह रहे हैं इसलिए पीड़ित हैं, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि इनको भोजन न मिले दुखी हों ऐसा नहीं, सब भोजन करते हैं और सब कपड़े पहनते हैं और सब घर में रहते हैं, घर फूस हो, कपड़ा हो, पक्का हो, बहुत अच्छे तरह से बना हो, साधारण से बना हो, ये तो योग्यता के अनुसार हो जाते, इसका बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन सब घर में रहते हैं। पीड़ित जो न हो, जिसका मन पीड़ित न हो धन्य है। कुछ सौभाग्यशाली हैं जिनका मन पीड़ित नहीं, जिनके मन में मवाद नहीं, जिनके मन में विकार नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है जीवन में वो यही करने योग्य है, मन निर्मल हो, सब समय निर्मल। और ये तब होगा जब विनम्रता आएगी, पूरी विनम्रता, निरहंकार भाव, निष्काम भाव, अवंत को देखना, असहाय अवस्था, असंग अवस्था, अल्प अवस्था। आजकल में हमारा शरीर बिस्तर पर पड़ा रहेगा, असहाय बना, मरने का समय आ जाएगा, अचानक भी मौत होती है और धीरे धीरे जीर्ण होते होते वो खाट पर पड़ जाता है, असहाय। वो असहाय अवस्था आना है पक्का सबका। और अल्पता, वहाँ क्या होगा हमारे पास, दवाई पानी कुछ, कुछ कपड़े और कोई चीज़ें आगे पीछे रखी होंगी, कभी कभी कोई आके बैठ के मेरे लिए सहानुभूत कर देगा बस, और चाहे जितना हमारा नाम हो, कितना ऐश्वर्य हो फैला, कुछ हमारे साथ नहीं होगा, अल्पता में हम आ जाएंगे और असंगता, अकेलापन, तब अकेलेपन का अनुभव होगा, लेकिन तब काम नहीं होगा। पहले से अपने को अंदर से इतना मजबूत कर लो, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा शरीर नहीं है, आभास मात्र शरीर। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है कि कृतार्थ आत्माओं के शरीर को देख करके साधारण लोग समझते हैं ये तो हमारे सरीखे हैं, समझ नहीं पाते, आभास मात्र उनको शरीर है, वे अशरीरी हैं, आत्मलीन पुरुष हैं, शरीर में रहते हुए अशरीरी हैं।
देह में रहते रहते विदेह, देह का फल यही है कि हम विदेह हो जाएं। जीवन के साथ मृत्यु को देखें, जीवन और मृत्यु दो नहीं है, जन्म हुआ बस मृत्यु शुरू, क्षण क्षण मृत्यु, शरीर की मृत्यु होती है। अपनी अमर आत्मा को समझो, आपकी मृत्यु नहीं होती, आप अमर हैं। और अपने मन को बाहर से समेटो, अंतर्मुख हो। जब तक एकाग्रता न बढ़ेगी निर्भयता नहीं आएगी, और पूरी निर्भयता आएगी जब निर्विकल्प समाधि होगी, संकल्प शून्य अवस्था, क्रिया शून्य, नॉन एक्शन, क्रिया शून्य, सारा संकल्प शांत हो गया, अपने आप रह गया, पूरा निर्भय। हमारा मन दुनिया में टिकेगा तो हमें तकलीफ होगी, शरीर और शरीर से प्रतीतमान सब कुछ दुनिया है, आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, समझना बड़ा मुश्किल, लेकिन लगे तो सबसे सरल वही है, वो आपका अस्तित्व ही है। अपने मन को समेटो, अपने आप में स्थित, आपका घर आपके भीतर है, बाहर का घर तो शरीर के लिए है, आपका घर आपकी स्वरूप स्थित है, आत्मस्थित है। यथा यथा प्रत्यगवस्थितम मन तथा तथा मुंचति बाह्य वासना निशेष मोक्षे सति वासनानां आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य, ये स्वामी शंकराचार्य का वचन है। जैसे जैसे मन एकाग्र होता जाता है, संकल्प छोड़ता जाता है, अंतर्मुख होता जाता है, तैसे तैसे प्रतिबंध शून्य आत्मस्थित का अनुभव होता है। संतोष सहज समाधि भली, जो साहेब ने कहा, सहज समाधि क्या है? आपका सहज स्वरूप शुद्ध चेतन आत्मा है, अपने आप रह जाना सहज समाधि है। अगर हम चतुर्भुज श्याम सुंदर का ध्यान करते हैं तो असहज समाधि है, कबीर साहब का ध्यान करते हैं, तथागत बुद्ध का ध्यान करते हैं तो असहज समाधि है, बनावटी, क्योंकि कुछ सोचते हैं, और सोचना मात्र जब बंद हो जाता है तो सहज समाधि है, कुछ न सोचना सहज समाधि है, संकल्प शून्य अवस्था सहज समाधि है। इस सहज समाधि में पहुंच करके सारे क्लेशों का अंत, सारा भय समाप्त है। हमारा मन देह पर टिका है, इसलिए हम भयभीत हैं, देह से हट करके आत्मा पर लगना चाहिए। जितना आत्मनिष्ठ होते जाएंगे हमारा दुख समाप्त होता जाएगा। सबके मन में दुख का मवाद भरा है, सब भयभीत हैं, सब पीड़ित हैं, सब शिकायत से भरे हैं, पत्नी की शिकायत, पति की शिकायत, पुत्र की शिकायत, भाई की शिकायत, पड़ोसी की शिकायत, भगवान की शिकायत, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, देवता की शिकायत, शिकायतें शिकायत, जिसके चित्त से शिकायत बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिसका मन सब समय तृप्त आनंद कंद, वो कृतार्थ आत्मा है। हम सबको चाहिए इस दिशा में आगे बढ़ें, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, सेवा करें, साधना करें, चित्त को शोधें, अंतर्मुख हों, सब ध्यान करो, अभ्यास करो ध्यान का। ध्यान क्या है नाम की एक पतली सी पुस्तक मेरी है, उसका आप मनन करें तो उसमें सहयोग मिलेगा। और भी जहाँ जो उपलब्ध हो, योग दर्शन तो विशाल ग्रंथ है, उसकी अपेक्षा मनन करें, ध्यान करें, एकाग्रता लें, मानसिक संताप से मुक्त हो। मानसिक संताप से मुक्त होना जीवन की कृतार्थता है। धन की संपन्नता, परिवार की संपन्नता, पद की संपन्नता, प्रतिष्ठा की संपन्नता, स्वयं की संपन्नता, ये दिखावा है, क्षणिक है। चित्त की पवित्रता की संपन्नता, एकाग्रता की संपन्नता, ये परम है, यही आपका धन है। इश्क, जो सदगुरु ने कहा हमने इश्क मस्ताना, इश्क में मस्ताना, वो अंतर्मुखता की बात है। ये चलना राह नाजुक है, उन्होंने कहा,
ये नाजुक रास्ता है, इसमें कुछ लेके नहीं चल सकते हो, सब छोड़ के चलना होगा। अस्मन्वती रेते समरबद्धम उत्तिष्ठत, ऋषि ने कहा है कि बड़े जोर से धारा बहती है पत्थरों से भरी हुई, उठो जागो, सावधान होकर के चलो, बह न जाओ। अत्रा जहां में असन्न सेवा, जो असत और अशिव है यही छोड़ दो, पार हो जाओगे तो सब मिल जाएगा। एक नदी पार करना है जो पत्थरों से भरी और तेज है, और हम बोझा लेकर के तैरना चाहते तो डूबेंगे। ये संसार नदी बड़ी भयंकर है, अहंता ममता की बोझा लेकर के तैरना चाहेंगे तो डूबेंगे। अहंता ममता की का बोझा डाल दो। ये चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या, सिर पर बोझ जो हम रखें अहंता ममता की उसको उतार दें। अहंकार शून्य, निष्काम हुए बिना परमानंद की प्राप्ति न होगी। मनन करें, चिंतन करें, इस दिशा में बढ़ें, यही मेरी शुभकामना है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।